लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कब तक हाथ में लिए खड़ा रहूं? बेटा जब तक लड़की नहीं आती हाथ में ही थामे रहे। आ गई कूद 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 अबे कूद 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 छतरी। उसके हाथ में दो मोमबत्तियां भी हैं। मोमबत्ती किसलिए? ये तो वो ही जाने। कितना अच्छा पुतला बनाया है कारीगर ने, लगता है अभी बोल पड़ेगा। इस वक्त बोलती बंद है, पुतला है ना, अब तो ऐसे ही हाथ में लिए खड़ा रहेगा। काश तुम मरने कितनी जल्दी न करते, कुछ दिन और रुक जाते तो हम एक दूसरे को समझ जाते, जान जाते, पहचान जाते। पहली बार जब मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा तो मेरे दिल में कुछ हुआ। क्या हुआ? हाँ अरे क्या हुआ? बोली बोली पुतले से क्या शर्माना है? मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी तलाश में मेरे घर तक पहुंच जाओगे। एड्रेस नहीं मालूम था क्या? एड्रेस नहीं था, बेचारा तुम्हारे घर कैसे पहुंचता? क्यों ठीक है ना। तुमने मुझे बहुत तंग किया, सबके सामने लगेज की तरह उठाकर अपने घर ले गए। दरअसल तुम्हारी यही अदा, यही मर्दान की मुझे पसंद आई। पहले बोला था ना, पहले बोला था आज बेचारे को पुतला नहीं बनना पड़ता। तुम काय को बीच में बोलता है? अरे मैं का बीच में बोलता हूँ? ऊपर पेपर में तुम्हारी फोटो देखकर मैं खूब रोई। ये हमदर्दी थी या प्यार, ये मैं अब तक नहीं समझ पाई। लोग कहते हैं कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। काश मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत होती। लो हम जिंदा हो गए। तुम जिंदा हो? तो ये सब नाटक था? नाटक नहीं मैम साहब, आपके प्यार की ताकत थी जिसने हमें जिंदा किया। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? लो बोलो। अभी जब मैं पुतला बना हुआ था तो बड़ा इज्जत आ रही थी, जैसे ही जिंदा हुआ नफरत करने लगी। वापस पुतला बन जाओ क्या? तुम पुतला बनो या जहन्नुम में जाओ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम थर्ड क्लास आदमी हो, थर्ड क्लास। गई सनी। अरे सनी अबे कहाँ फंसा के भाग गया बे? अरे गाड़ी पटरी से उतर गई रे सनी। निकालो तुम यहां क्या कर रही हो? देखते नहीं, मैं पानी बाहर निकाल रही हूं, वरना तुम्हारा वो स्पेशल ऑमलेट कैसे बनाऊंगी? लेकिन तुम यहां इस वक्त? मैं यहां अपनी मर्जी से आई हूं और साथ साथ ये तय करके आई हूं कि जब तक कूलियों को अपने घर नहीं मिल जाते मैं तब तक यही रहूंगी। तुम इस तूफानी बारिश में घुटने घुटने पानी में हम कुलियों को घर दिलाने आई हो क्या? नहीं, अपना घर बसाने। अल्लाह कसम, क्या बात करती हो? उन लोगों को 5,000 में मकान दे दूं? उन गरीबों को 5,000 में ही अपने मकान मिलने चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो मैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है?
इसलिए कि जिस हालत में उन्हें देखकर आई हूँ उन्हें मुफ्त में मकान मिलने चाहिए। लेकिन मकान तो हाँ, जस्ट अ मिनट चलो मान लिया, अगर हम उन लोगों को 5,000 रुपए में मकान दे दें तब तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी ना? हाँ, मगर याद रखिए मेरी शादी तभी होगी जब उन कूलियों को अपने घर मिल जाएंगे। अरे भाइयों, अरे खुशखबरी, अपने अपने पैसे तैयार रखो, हम लोग को घर बहुत जल्दी मिलने वाला है। चलो चिटफंड चलते हैं और मकान के लिए जमा पैसा निकालते हैं। चलो आओ। वेलकम वेलकम गोगा। हमारे मद्रास के ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ गई है। क्या कह रहे हो? जफर साहब ने कहा है इससे पहले कि पुलिस यहाँ में छापा मारे जो भी 15-20 लाख रुपए यहाँ से लेकर निकल जाओ। जल्दी करो बॉब, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और जितने भी कागजात है सब जला देने चाहिए ताकि वो जब यहाँ आए उनको कोई सबूत ना। जासूसी करता है, पकड़ लो इसे, ले जाओ अंदर। अबे चुप सनी, बहुत जल्द जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम डैडी और ये चमड़े का चमचा ले जाओ इसे ऊपर, जफर साहब आएंगे तो इसका फैसला होगा। अबे तुम लोग क्या मेरा फैसला करोगे? मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। बहुत दिनों से बॉब चिट फंड के पीछे पड़ा हुआ था मैं, आज मेरे हाथ सबूत लगा है। मैं तुम्हारे सारे कारनामे जरूर फ्रंट पेज पे छापा हुआ देखना। अरे चोर, अपने बाप का पैसा समझ के भाग रहे थे। माल तो भारी है, माल उठाने को कूली मांगता है क्या? तू माल उठाएगा टुंडे? हाँ, क्योंकि माल हमारा है, लाओ। चलो भागने का कोई चांस नहीं है भाई, हमारे सब लोगों ने घेराव डाला है। इस हाथ में बहुत ताकत है। उस दिन गलती की जो तेरा एक ही हाथ काटा, आज मैं तेरा दूसरा हाथ भी काट दूंगा। कुल्हाड़ी एक बार नहीं था तो कुलियों का खून अपने बाप का माल समझ के भाग दिया। एक तो चिट जला दिए, ऊपर से फंड लेके भागा। Thank you.
देखा इकबाल, बाप के आदमी ने जान देने की कोशिश की, माँ ने जान बचा ली, इसलिए तो हमेशा माँ की तस्वीर साथ लेके घूमता हूँ।